बीजेपी के सबसे बड़े तबकों की तरफ से हमने बड़े स्पष्ट रूप से याचिका और कंप्लेंट की है माननीय गृहमंत्री के विरुद्ध और माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश। बड़े बड़े वरिष्ठ बीजेपी नेताओं ने कहा है इस प्रकार की चीज़ें और कोई एक्शन नहीं लिया गया है। हमारे मुखर और प्रखर प्रधानमंत्री चुप रहते हैं। कांग्रेस के विरुद्ध साफ झूठे आरोप कि कांग्रेस ने कहा कि अगर हम आएंगे पावर में तो हम रिहा कर देंगे इन सबको, एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन के सदस्यों को। जब हमने चुनौती दी कि बताए कहाँ कहाँ है कांग्रेस थे अपने मैनिफेस्टो में, अपने बयान में, अपने स्टैंड पे, तो कुछ ऐसी चीज़ सामने नहीं आई। और कितना भी बड़ा पद हो, कितना भी बड़ा नाम हो, कितना भी बड़ा ओहदा हो, कानून सबके लिए बराबर है। आज हमारा डेलीगेशन, मेरे साथ माननीय बंसल जी हैं, वासनिक जी हैं और अन्य मित्र हैं, चुनाव आयोग गए। हमने दो तीन अहम मुद्दे उठाए हैं, चुनाव आयोग ने हमें सब्र से सुना। सबसे पहले और सबसे अहमियत वाला मुद्दा है कि एक बेशर्मी से जो वक्तव्य आ रहे हैं कर्नाटक चुनाव के संबंध में बीजेपी के सबसे बड़े तबकों की तरफ से, हमने बड़े स्पष्ट रूप से याचिका और कंप्लेंट की है माननीय गृहमंत्री के विरुद्ध और माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश। उन्होंने तीन चार वक्तव्य जो हमने अपने रिप्रेजेंटेशन में कोट किए हैं, बड़े स्पष्ट रूप से ऐसे स्टेटमेंट्स दिए हैं जो उकसाते हैं, आपसी वैमनस्य फैलाते हैं, पूरी तरह से झूठे हैं, नफरत फैलाते हैं। हमारे अनुसार एक में कॉमनल रायट्स की तरफ रेफरेंस है, कई और वक्तव्यों में अल्पसंख्यक समुदाय के विषय में संकेतात्मक बड़ा स्पष्ट कहा है, और सबसे महत्वपूर्ण कांग्रेस के विरुद्ध साफ झूठे आरोप कि कांग्रेस ने कहा कि अगर हम आएंगे पावर में तो हम रिहा कर देंगे इन सबको, एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन के सदस्यों को। जब हमने चुनौती दी कि बताए कहाँ कहाँ है कांग्रेस थे अपने मैनिफेस्टो में, अपने बयान में, अपने स्टैंड पे, तो कुछ ऐसी चीज़ सामने नहीं आई। इसके बाद हमने चुनाव आयोग को बताया कि ये आदर्श संहिता का तो बड़ा ही एक नंगा उल्लंघन है, ज़बरदस्त और व्यापक उल्लंघन है, साथ साथ कई सारे फौजदारी प्रावधान इसमें लगते हैं ऐसे वक्तव्यों में। आप लोग जानते हैं उनका नंबर 153 ए, वैमनस्य फैलाना, नफरत फैलाना, 505, उसके अलावा चुनाव के दौरान झूठे वक्तव्य करना। तीसरा, हमने बताया चुनाव आयोग को कि उच्चतम न्यायालय ने बहुत बहुत स्पष्ट रूप से कई बार कहा है, और एक उदाहरण दिया हमने अमीश देवगन का केस जो 2021 में आया था उच्चतम न्यायालय में, जहाँ कहा गया है कि जितने आप बड़े पद और ओहदे पे हैं उतना ही आप पे जिम्मेवारी ज़्यादा है, उतना ही आपका वक्तव्य हम और ध्यान से देखेंगे और वो उतना ही ज़्यादा गलत होगा क्योंकि आपका ओहदा, आपका पद ऊंचा है। नंबर तीन, हमने कहा कि ये बराबरी समतल ज़मीन को गैर बराबर करता है और इसलिए ये स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव पर आघात करता है, और स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव और गणतंत्र और लोकतंत्र हमारे संविधान के मूल ढांचे का एक अभिन्न अंग है। तो इसलिए चुनाव आयोग एक बहुत महत्वपूर्ण दायरे का पुलिसमैन है और उसको तुरंत एक्शन लेना चाहिए। उसको तुरंत एक्शन इसलिए भी लेना चाहिए क्योंकि चुनाव के समय बहुत कम होता है, और कितना भी बड़ा पद हो, कितना भी बड़ा नाम हो, कितना भी बड़ा ओहदा हो, कानून सबके लिए बराबर है। और इसलिए हमने अपनी बात अंत की ये कह के कि ऐसे लोगों को तुरंत चुनाव कैंपेन में शरीक होने से रोक कर देना चाहिए, रोक देना चाहिए, बैन कर देना चाहिए। अभिषेक जी, जिस बीजेपी नेता ने आज सोनिया गांधी के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया उसकी भी शिकायत की है, जो विष्कन्या, हमने अभी, वो आज ही हुआ है, कुछ ही घंटों पहले हुआ है, तो हमने औपचारिक कंप्लेंट नहीं दी है। लेकिन मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि कानून के जितने भी अधिकार क्षेत्र हैं, और वो सिर्फ चुनाव आयोग नहीं है, इतना भद्दा, इतना भर्सना योग्य
इतना गिरा हुआ गटर लेवल का बयान, और हमको हर दिन लेक्चर मिलता है, उपदेश मिलता है कैसे बोलना चाहिए। आप देखेंगे कि जैसे पहले मंत्रियों ने, बड़े बड़े वरिष्ठ बीजेपी नेताओं ने कहा है इस प्रकार की चीज़ें, और कोई एक्शन नहीं लिया गया है। हमारे मुखर और प्रखर प्रधानमंत्री चुप रहते हैं, वैसा ही इसमें भी होगा। लेकिन हम अपना सब अधिकार क्षेत्र कानूनी इसके विरुद्ध इस्तेमाल करने का पूरा अधिकार क्षेत्र है।